अस्सलाम वालेकुम जय साहब। बस साहब ईद कैसे मनाई आपने फिर? मनानी गई थी जी, गुजर गई। मनावांगे तो उदो जो असेंबली दे विच बह के तो ईद मुबारक दे फोन सुनांगे। चलो साहब क्या मतलब, असेंबली के बाहर ईद नहीं होती? होती है, मगर असेंबली के बाहर ईद ऐसे ही होती है जैसे चीनी के बगैर सेवैया। और अगर साथ मेवे और बादाम भी डाल दें जैसा? फिर तो ईद ईवाने सदर में हुई ना जी। अच्छा। वजीर आजम की कुर्सी पे तो पहले भी मैं बैठ चुका हूँ, अब तो सिदारती कुर्सी देख देख के मुझे गाने गाती है, आ जा तेन अखियां उड़ीक दी। अच्छा। तो जैसा फिर तो आपको चाहिए कि आप हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हो। इस बारे में मैं दो बातें कहूंगा। पहली तो ये है कि एम क्यू एम देखो और एम क्यू एम की धार देखो। तेल देखो, तेल की धार देखो। ये एम क्यू एम जो है ये तेल ही है। अच्छा। ये हुकूमत की गाड़ी इस तेल के बगैर नहीं चलनी। अच्छा। जिस दिन ये तेल लीक हो गया ना, हुकूमत तिलक दी भरेगी। और अगर किसी ने माचिस की तीली दिखा दी तो फिर भांबड़ी भांबड़ नजर आनी है, हुकूमत नहीं नजर आनी। इसलिए ये ठीक है, एम क्यू एम देखो और एम क्यू एम की धार देखो। अच्छा अच्छा, सर दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये है कि हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। हम असली जमहूरी लोग हैं, नकालों से होशियार रहे हैं। असली जमहूरी पार्टी पीएमएल क्यों? हमारे तो नाम से ही जमहूरियत टपकती है। वो कैसे? हम क्यों में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं तो जी दे रहे, इसका मतलब है जैसा जो पीएमएल क्यू तोड़ रहे हैं वो जमहूरियत दुश्मन है। तो और बादाम तोड़ने वाले जमहूरियत दुश्मन। पीएमएल क्यू ही असल जमहूरियत है। और देखना तुम, अब तो लोग इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। तुम देख दे नहीं, आजकल अद्धी आवाम ने कालियां एनकां ला लईयां ने। वो इस हुकूमत की शक्ल भी नहीं वेखनी चाहते। तो बीमारी की वजह से लगाई हुई है। लोगों ने पीएमएलक्यू की मकबूलियत वेख के एनकां लाईयां। अच्छा, मकबूलियत तो मुशर्रफ की है जिसने वो ये दुनिया न्यूज की टेलीथॉन में आके करोड़ों रुपए जमा किए। ये केड़ी मकबूलियत वाली गल है? ट्रैफिक इशारियां दे खलोते फकीर किन्ने पैसे कदे कर ले? करोड़ों रुपए तो नहीं जमा कर लेते। हाँ। करोड़ा ही करते ने। अच्छा। उन्हां नूं हिस्सा देना पैंदा तां बेचारे गरीब रहिंदे ने। पर जैसा मुशर्रफ साहब ने तो उस टेलीथॉन में आपके बंदे भी तोड़ लिए हैं जिन पर आपको बड़ा नाज था। अमीर मुकाम दी गल करन ना। हां, वो तो टेलीथॉन में बैठे थे आके। ओए ओदी केड़ी गल है, ओदे उंज जिथे थक जावे बैठ जांदा है। ओदा मुंह ही बड़ा भारा है। ओदे गनमैन कई वारी कहंदे ने खान साहब मुंह सानू बढ़ा दियो थक जाओ। एडा वड्डा मुंह है कई वारी ओदे मुंह च बच्चा वड़ के सौ जांदा। ये तो गुस्सा निकाल रहे हो। गुस्सा नहीं, तू गौर ना दे दे सही। ओदे अपनी दोनों गल्लां दे आलू बीजे ते 10 बोरियां ला दे। साहब जो भी है, मुशर्रफ साहब ने 25-30 करोड़ रुपए जमा किए हैं सैलाब ज़दगान के लिए। जो केड़ा एडा को तीर चला बैठे एवं तुसी फजूल उन्हें चैनल दे पा लिया। मैं तो चलो बर्दाश्त कर गया, सूफी ने तो अपना टीवी तोड़ छे। 25-30 करोड़ केड़ी कोई एडी रकम है? तुसी सानू कहिंदे असी दे देंदे तुहानू। अच्छा। असी केड़ा कोलों देने सी? आप क्यों नहीं टेलीथॉन में बैठ गए फिर? होते बिठाओ सानू, मैनू भी बिठाओ, गिलानी ने भी बिठाओ, नवाज शरीफ ने भी बिठाओ। फिर वेखो कौन बहुते पैसे कट्ठे करदा है। अच्छा। इन्हां ने तो जो हुकूमत विच रह के आवाम का हाल कर छड्डे, इन्हां नूं ते पुराना लोहा ते जान पूरा ही कट्ठा होना है। अच्छा अच्छा, बाबर अवान साहब कहते हैं कि मार्शल है कबूल नहीं करेंगे हम। ओदी केड़ी गल है, उन जी कुछ ना कुछ कहिंदा रहिंदा है। ओदे थोड़ी देर चुप रहे ना ते कोलों को बंदा कह देंदा है, भाई जी तनखा नहीं जी लेनी कुछ कहो। रह गई गल मार्शल ला दी, ओ जदों लगेगी ते बाबर अवान वर्गे बंदे कबूल किए तीन हरी कबूल कबूल कहणगे। अच्छा साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि कौम को बूटों की नहीं आयन और तरानों की आवाज अच्छी लगती है। एडो ईएनटी स्पेशलिस्ट। एहो जे पढ़े लिखे बंदे को पूछो ना, भाई जी कान की जमा की है, कानून दस देने।
चोइस है, ब्रांडी हंट आपसे मिलने आए थे, वो क्या लेने आए थे? अचार लेने आया जी। मुलाकात करने आया जी, और साडे लोग कोई धोण वाले कपड़े तो नहीं लेना होता। चोइस साहब कोई सियासी हालात पे गुफ्तगू हुई फिर? सियासी हालात की गुफ्तगू हुई यार, और कोई शतरंज दाल सीखना आंदा मेरे? सर ये तो वैसे आप टाल रहे हैं। हाँ। कोई पैगाम लेके आए थे? पैगाम की होने, बस कह रहा थी कि तुहाडे हुकूमत दे लच्छन और मुल्क दी मईशत ते मीरा दी अंग्रेजी नहीं ठीक। मैं यार तू तो तिने गल्लां दसन डे है जिहड़ियां कदी भी नहीं ठीक होनी। कोई तो एजेंडा होगा ना मुलाकात का? और गल्लां भी कीतियां, चीनी हुकाम नाल की खिचड़ी पक रही है। अच्छा अच्छा। मैं यार चाइना वाले तो कहंदे ने कि ची पोनी मच को ची पीचा चा पिच को जो कुचो चिक चमची। इसका क्या मतलब? उन्हें भी यही गल पूछी थी। मुलाकात करन आया या मेरा शागिर्द बन आया? अच्छा, ये तो उन्होंने आपसे पूछा ना, आपने भी कुछ उनको अपने ख्यालात से आगाह किया? असेंबली नहीं देखी मैंने। अच्छा। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद है। ये था हसबे हाल, खुश रहे, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।